ये आपको नहीं लगता कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, महिलाओं को कैसे आप जागरूक कर सकते हैं? अभी एक नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं सरकार, नाम क्या है उसका? सी मार्ट का नाम सुना है आपने? सी मार्ट में कौन कौन से हेल्थ चलन के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं? आपकालीन विभाग से, और अभी वर्तमान में जितने हमारे अखबार हैं उनमें सबसे ज्यादा छाया हुआ जो विभाग है वो आपकालीन विभाग है, इसके संबंध में कोई सर घोटाले की बात की जा रही है लेकिन अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या कुछ कहना मुझे अनुचित लग रहा है सर। आप इससे पहले ऑडिटर थी, एक राज्य ऑडिट प्रपोज्ड है, इनका काम और एजी के ऑडिट, ये दोनों ऑडिट करते हैं, इनका बेसिक अंतर क्या है? मूल अंतर सर जो राज्य प्रकोष्ठ है जिस जिसमें हम स्थानीय निधि संपरीक्षा वाले थे उनका काम था नगरीय निकाय या स्थानीय निकाय जो पंचायत है उनसे संबंधित सभी निकायों का संपरीक्षा करना, जबकि एजी वाले जो हैं वो जो राज्य से संबंधित जितने विभाग हैं अन्य उनके संपरीक्षा करते हैं। प्लान ट्रेवल करते हैं, प्लान ऑडिट ट्रेवल करते हैं, प्लान बता सकते हैं? जी सर मोमेंट होता है। शराबबंदी की बात आप बता सकते हैं कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है या उसके क्या इम्पैक्ट होंगे? शराबबंदी किया जा सकता है सर, उसके इम्पैक्ट यदि हम गुजरात और बिहार की स्थिति को देखते हुए करें तो, और आपात सॉरी सर अभी लॉकडाउन के समय जो स्थितियां थी तो उसके नेगेटिव प्रभाव ही ज़्यादा दिखे हैं, जैसे कि जो शराब के आदि लोग हैं उन्होंने सैनिटाइज़र का प्रयोग किया और बहुत सारी मौतें भी हुई, लेकिन उसके सकारात्मक पक्षों को देखा जाए तो जो नशा मुक्ति हम विभिन्न अभियान चलाते हैं उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और नेगेटिव में देखें तो रेवेन्यू अभी क्योंकि 2022-23 का लक्ष्य था 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का, उसका लॉस हो। अभी एक नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं सरकार, नाम क्या है उसका? निजात अभियान जो बिलासपुर। सर घोड़गंज जनजाति मूलतः वनवासी ही है और उनका सारा जीवन सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू वन से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी घोड़गंज जाति पूजा करती है या कौन सा ऐसा वन्य जीव है जिनसे कनेक्टेड घोड़गंज जाति? सर अगर प्रतीक चिन्ह को देखा जाए तो शेर और हाथी और फिर साल साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल साजा। सी मार्ट का नाम सुना है आपने? सी मार्ट में कौन कौन से हेल्थ चलन के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं? सर माटी कला बोर्ड से संबंधित जो भी बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट उनको बेचा जा रहा है, और जो विभिन्न महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया गया सामान वो सी मार्ट में। तो आप जहाँ भी आपको खुशी होगी क्या आप जनजातीय क्षेत्रों में हस्त कला को प्रमोशन करने का काम करेंगे? महिलाओं को कैसे आप जागरूक कर सकती हैं? महिलाओं को उसके आर्थिक पहलुओं से परिचित करा के, क्योंकि महिलाओं को किसी भी चीज़ में जोड़ने के लिए उनके आर्थिक पहलू को समझाना पड़ेगा सर, उसके बाद ही उसमें आगे किया जा सकता है। तो
शराबबंदी के संबंध में प्रश्न पूछा आपसे, शराबबंदी के संबंध में संवैधानिक कोई प्रावधान है क्या जिससे कहा जा सके की शराबबंदी पूरी जाए? सर नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल याद नहीं कर पा रहे सर, उसमें तो है ये आपको नहीं लगता कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, कैसे आप इसको देखते हैं? सर इसको क्योंकि शराब का कंजम्पशन कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती कहते हैं, उसी हिसाब से ये अगर ये समाज में कुरीति की तरह फैल चुका है इसलिए शराबबंदी की बातें। आपने कहा कि हाथी हमारे आवासीय क्षेत्र में आए, आपको नहीं लगता ये उल्टा है, हम हाथियों के आवासीय क्षेत्र में चले गए? जनसंख्या का जितना प्रसार हो रहा है उतना हम मानव और वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, इसके लिए कोई समुचित प्रबंध करने की आवश्यकता है सर, जिससे कि समन्वय की स्थिति बन सके। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक योजना बनाई थी हाईवे के ऊपर से कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए, उसके बारे में जानकारी? हाईवे के ऊपर से अब एक ब्रिज जैसे स्विट्जरलैंड में एक है, सॉरी सर मैं यहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पा। ठीक ठीक हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और जितना वॉइस का जो पिच होता है वो बड़ा अच्छा है, मतलब सूदिंग है, सुनने में ऐसा नहीं लग रहा है और अच्छे से आंसर ही बहुत बढ़िया कर दिया। ऑब्वियसली काम मतलब लगातार सरकारी तंत्र में रहने से वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला आ जाता है एक एटीट्यूड, तो वो तो है और बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा जो तुम्हारा पढ़ाई वाली फील्ड है ना वो पूरी वन्य प्राणी मतलब प्राणियों से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा वन्य प्राणी पे ज्यादा पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो फॉरेस्ट वाला बैठेगा बंदा वो इससे जुड़ेगा अपने स्टेट के बारे में, ठीक है, नेशनल पार्क सेंचुरी इनके एक्ट में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इनके पौधों के संरक्षण की क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ किन किन वन्य प्राणियों के संरक्षण की योजनाएं चल रही है, जैसे क्रोकोडाइल पर चल रहा है हमारे लिए ना, पहाड़ी मैना पर चल रहा है, ठीक है, टाइगर पर तो 3 टाइगर रिजर्व चल ही रहा है, एलिफेंट पे चल रहा है लेमरू, तो लेमरू को आप पढ़ोगे तो फिर एक तरफ माइनिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ लेमरू में उस एरिया को कंजर्वेशन पे बहुत लड़ाई चली है सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो इस चीज के ऊपर पढ़ाई कर लेना थोड़ा और, ठीक है। फिर दूसरा स्तर में जो पूछा वो शराबबंदी एक तरफ है, दूसरी तरफ आप आदिवासी समुदाय से आते हो, आदिवासियों में कंट्री लीकर का शुरू से प्रावधान रहा है, महिलाएं बनाती है, महिलाएं पीती है, पुरुष पीते हैं, पेड़ से जो है ताड़ी सल्फी ये सब महुआ ये सब से शराब चलती है, मतलब पुराना संबंध रहा है। अब वो शराबबंदी मतलब आदिवासी समुदाय को बिल्कुल विरोध करेगा उसका, ठीक है, तो वो उसको भी लेते हुए अच्छा आंसर था बिल्कुल, कि समाज में जब तक ये बुराई के रूप में ना फैले तब तक ये ठीक है, जिस दिन बुराई के रूप में फैले लगे उस दिन इसका रोकथाम जरूरी है, उस पर और क्वेश्चन करते हैं, तो उस पर और थोड़ा सा पढ़ाई करना। अब उस पर जैसे आप फॉरेस्ट पे जुड़ जाएगा तो जितनी भी स्पीसीज फॉरेस्ट में महुआ है, जैसे तो महुआ से शराब जुड़ा तो शराब से महुआ, महुआ के बारे में पढ़ लो पूरा, उस ट्री के बारे में पढ़ लो उसका कैसे रिजनरेशन होता है, उससे क्या क्या चीजें फायदे क्या है महुआ का, फिर महुआ का कलेक्शन किस दर पर हो रहा है, इसका एक MSP बन चुका है ना, महुआ का MSP है 30 रुपए है MSP इसका, तो इसको पढ़ लेना है हम लोग कितने रुपए में सरकार खरीद ली है, ठीक है। फिर इसको अभी महुआ जो है वो हम लोग का इंग्लैंड जा रहा है इस साल, ठीक है, तो इंग्लैंड तक हमारा महुआ पहुंच रहा है, ठीक है, तो इस चीज पर रहेगा कि बस्तर का महुआ इंग्लैंड तक कैसे, तो जो आदमी जान रहा है इन चीजों को क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा इस तरीके, अब चूंकि जनजाति समुदाय से भी बिल्कुल पूछी तो उससे थोड़ा सा एक बार पढ़ना है, और अभी चीता के बारे में कंजर्वेशन और ये सब बहुत सारी चीजें अभी चल रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी संशोधन हो चुका है पिछले साल भी आया है नया अमेंडमेंट, ठीक है, उसको भी एक बार पढ़ लेना, उसमें कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया गया है, शिकार करने जाता है, ठीक है, और शिकार से जंगली जानवरों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो वो अगर शिकार से हो रहा है, तो जनजातियों की एक चूंकि परंपरा रही है एक कल्चर है वो एक ग्रुप बना के जाना शिकार करना मार के लाना फिर पूजा करना इस टाइप का बना हुआ है, तो आप फॉरेस्ट सर्विस में जाने के बाद उन्हीं लोगों से लड़ना है आपको जो आपके ही समुदाय के लोग हैं, तो उसमें किस प्रकार से सामंजस्य आप बैठाओगे थोड़ा सा आवाज है।
ओवरऑल आपका सब सही है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सिटिंग बढ़िया है, थोड़ा सा आई कांटेक्ट को थोड़ा सा जा रहा था शुरू में, जा रहा था शुरू में, बाद में सही हो गया। शुरू में जब अपन क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपका आई कांटेक्ट जा रहा था, तो प्रयास करें कि शुरू से ही वो जो चीज़ें हैं सही रहे, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।